मेरा समलेश्वरी माँ का दर्शन का सौभाग्य हुआ। सुनाव का आखिरी पसार का आखिरी दिन भी है और माता का दर्शन हुआ, मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यवान मान। सनातन का जय होगा और सनातन संस्कृति का जय होगा। ये चुनाव उड़ीसा का अस्मिता रेखा का चुनाव है, गुड गवर्नेंस का चुनाव है, सुशासन का चुनाव है। आज उड़ीसा का सामने जो सबसे बड़ा समस्या है, उड़ीसा का अस्मिता का समस्या। आज उड़ीसा का जो स्वाभिमान है, वो स्वाभिमान को रक्षा करने का आंदोलन है ये चुनाव। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि महाप्रभु जगन्नाथ माँ समलेश्वरी का आशीर्वाद से उड़िया लोगों का स्वाभिमान भी रक्षा होगा और उड़ीसा विकास का रास्ते में आगे बढ़ेगा। 5T चल रहा है ना, मेरा हिसाब से एक ही टी काम हो रहा है, टी फॉर तमिलनाडु। तो हमें इसको बदलना है, हमें उड़ीसा का स्वाभिमान का रक्षा करना है, बीजेपी का सरकार बनाना है उड़ीसा। ये सरकार उड़ीसा का संपत्ति को आउटसोर्स किया हुआ है, महाप्रभु जगन्नाथ का रत्न भंडार का सभी भी छुपा के रखा हुआ है, उड़ीसा का स्वाभिमान का साथ भी खिलवाड़ करके बैठा हुआ है। सरकार नाम से यहाँ में कोई कुछ नहीं है, कोई बीजेपी पार्टी का लीडर कोई भी दिखाई नहीं देते हैं, खाली एक व्यक्ति को ही दिखाई देते हैं। उड़ीसा में पंडियान का सिवा कोई पार्टी कोई सरकार दिखाई नहीं देते हैं, ये सारे चीज पंडियान ने कब्जा कर लिया है। यहाँ मुख्यमंत्री है ही नहीं है, यहाँ कहाँ मुख्यमंत्री है, यहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री ठीक है, बीमार है, अच्छा है, मुख्यमंत्री क्या सोच रहा है कोई नहीं जानते। जो पांडियन लिख के देता है वही मुख्यमंत्री बोलते हैं। मेरा तो ये एक रिक्वेस्ट होगा, उड़ीसा का विशिष्ट लोग, सीनियर सिटीजन, अच्छा लोग जाके नवीन बाबू से बात भी करना चाहिए, नवीन बाबू खुद कैसा महसूस कर रहा है। मेरा तो अपना मानना है नवीन बाबू भी एक होस्टेज सिचुएशन में है। मेरा तो मानना है कोई लोग जाके अगर पंडियान 10 मिनट रूम से बाहर हो जाए और 10 मिनट अकेला अगर नवीन बाबू किसी से बात करेगा, मेरा मानना है नवीन बाबू रो पड़ेगा। नवीन बाबू इज अंडर होस्टेज सिचुएशन, देखने से ऐसा ही लगता है। देखिए, नवीन बाबू खुद स्टेट नहीं चला रहा है, नवीन बाबू को आप जाके बात करो, पंडियान को 10 मिनट रूम से बाहर निकालिए, अकेला आप लोग जाके बात करिए, नवीन बाबू मेरा हिसाब से रो पड़ेगा। नवीन बाबू इज अंडर होस्टेज, नवीन बाबू को कैप्चर करके रखा गया है, नवीन बाबू का हालत क्या है, वो क्या सोच रहा है, इसका बारे में हमें तब पता चलेगा जब कोई लोग उनको अकेला मिल सकता है, कोई लोग तो उनको अकेला मिल ही नहीं सकता। सीएम बाहर नहीं जा रहे हैं, सीएम बाहर को, ये भारत का एक सीएम है जो अकेला किसी का साथ बात नहीं कर सकता है। आज आप जाइए, अगर अपोजिशन का भी सीएम है, केजरीवाल भी है, अकेला बात करेगा। अगर कोई जगह में आप जाइए, भगवान सिंह मान हो, अकेला बात करेगा, ममता बनर्जी अकेला बात करेगा। यहाँ पंडियान का इशारा का बिना ये कुछ नहीं कर सकता है, पूरा एकदम होस्टेज बना के रखा गया है। जैसे अभी आप एक बार कोई हाईकोर्ट का जज या कोई सीनियर सिटीजन उड़ीसा अकेला नवीन बाबू से बात करने से ही पता चलेगा नवीन बाबू ठीक है या नहीं है। आपको भी लग रहा है कि उड़ीसा में जो मुख्यमंत्री है, उड़ीसा का कोई मतलब होना चाहिए? उड़ीसा का अभी कोई मुख्यमंत्री है ही नहीं, मुख्यमंत्री तो पांडियन है। अभी पांडियन को हटा के उड़ीसा का मुख्यमंत्री हमें बनाना है, पूरा राज खुलासा हो जाएगा। मेरा लगता है जब 11 तारीख पांडियन तमिलनाडु चला जाएगा, उसका बाद आप लोगों को बहुत सारा बातें मालूम होगा। वो विक्टिमाइज है क्या पांडियन से सीएम अभी? पूरा होस्टेज है, मैं बोला ना होस्टेज सिचुएशन है। और कुछ मुख्यमंत्री दो विधानसभा, मुख्यमंत्री दो दो नहीं, मुख्यमंत्री एक ही है, पांडियन ही है। मुख्यमंत्री पांडियन ही है, नवीन बाबू से वो साइन करवा लेते हैं। लेकिन
आपका पार्टी का जो एमपी है एमएलए मंत्री, अरे ये बीजेडी पार्टी का एमपी लोग क्या है, एक बार चुनाव हार जाएगा तो पार्टी एक ही दिन में तोड़ जाएगा, कुछ भी बीजेडी पार्टी रहेगा ही नहीं, सारे बीजेडी लोग बीजेपी में आ जाएगा। एक बार खाली चुनाव का परिणाम आने दीजिए, सबका उड़िया स्वाभिमान है। ये बहुत महत्वपूर्ण, देखिए एक बार चुनाव होने दीजिए, कोई बीजेडी नहीं रहेगा, स्वाभिमान वाला लोग बीजेडी में नहीं रहेगा, बीजेपी आ जाएंगे सब लोग। मतलब ये नहीं है कि पूरा पार्टी आ जाएगा, जो बीजेडी में स्वाभिमान वाला लोग है, सेल्फ रेस्पेक्ट वाला लोग है, वो बीजेडी में नहीं रहेगा। सेल्फ रेस्पेक्ट जिसका है वो बीजेडी में नहीं रहेगा। मैं एक शक्तिपीठ से दूसरा शक्तिपीठ से आया हूँ, माँ समलेश्वरी माँ को प्रणाम किया हूँ, उड़ीसा का लोगों का भला हो, एक उड़ीसा भारत को विकास का रास्ता में ले जाए, इसके लिए मैंने प्रार्थना किया, उड़ीसा का सुख शांति के लिए मैंने प्रार्थना किया। मैं आपको बोला ना, यहाँ में आउटसोर्सिंग तो प्रधान जी थोड़ा मेच्योर्ड है, इसीलिए सोच समझ से ये सब बोला है, लेकिन यहाँ आउटसोर्सिंग ने पूरा कैप्चर करके बैठा हुआ है, सारे कुछ भी नहीं है उड़ीसा का लोगों का साथ। उनके नेता है, उनके मंत्री, मैं भी एक सीएम हूँ, किसी का हिम्मत है मेरा माइक पकड़ने के लिए, मैं भी एक सीएम हूँ, किसी का हिम्मत है मेरा साथ खड़ा होके मुझको समझाने के लिए, ऐसा बोलो ऐसा कोई, ये बहुत खतरा है, उड़ीसा में डेमोक्रेसी है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, होस्टेज सिचुएशन है उड़ीसा में। उड़ीसा का स्वाभिमान रहे, उड़ीसा का लोगों का सुख शांति रहे, उड़ीसा को बहुत बढ़िया सरकार मिले। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।